बीच सड़क इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी की पिटाई, परिवार के झगड़े में ससुराल पक्ष के लोगों ने बीच बाजार मारपीट की। ये सीन आगरा का नुनिहाई सब्जी मंडी का है। सब्जी मंडी में अचानक हंगामा होने लगा, लोग आलू प्याज खरीद रहे थे। इसी बीच तीन चार लोग सफेद शर्ट पहने शख्स की पिटाई करने लगे। कोई सामने से घूसे बरसा रहा था तो कोई पीछे खींच रहा था। बीच में फंसा ये शख्स खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मारपीट के बीच एक शख्स ने चाकू उठा लिया। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सप्लाई ऑफिसर ब्रज किशोर वर्मा है। चार महीने पहले इनकी आगरा में पोस्टिंग हुई है। सोमवार को उनका पत्नी से झगड़ा हो गया, रिश्तेदारों ने बीच बचाव किया और सुलह हो गई, लेकिन विवाद थमा नहीं। बाद में ब्रज किशोर नुनिहाई में अपनी माँ से मिलकर लौट रहे थे तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने उन्हें बीच सड़क पर घेर कर बुरी तरह पीटा। ब्रज किशोर वर्मा ने भागने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें सड़क पर गिराकर बुरी तरह मारा। बड़ी मुश्किल से लोगों ने ब्रज किशोर वर्मा को हमलावरों से बचाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एतमादौला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। राहुल गांधी के मैजिक टच से लखटकिया हो गई एक चप्पल। यूपी में मोची रामचेत को चप्पल खरीदने के लिए मिल रहे हैं कई ऑफर। ये तस्वीरें 26 जुलाई की हैं। सुल्तानपुर में मानहानि केस की सुनवाई के बाद लौट रहे राहुल गांधी अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कूड़े भार में रामचेत की दुकान पर गए थे। राहुल ने रामचेत की दुकान में जूते चप्पल पर टाका लगाया था। राहुल के मोची राम वाले अवतार ने सुर्खियां बटोरी। इसके बाद रामचेत के पास चप्पल खरीदने के लिए ऑफर आने लगे। राहुल गांधी ने जिस चप्पल की मरम्मत की थी उस चप्पल को खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए रामचेत को 1,00,000 रुपए तक के ऑफर मिले हैं। रामचेत का दावा है कि एक शख्स ने फोन कर चप्पल के बदले झोले भर पैसे देने का ऑफर भी दिया है। राहुल के दौरे के बाद रामचेत की दुकान पर रौनक बढ़ गई है। अब कभी सरकारी अधिकारी तो कभी कर्मचारी रामचेत की दुकान पर पहुंच रहे हैं। लाखों के ऑफर के बाद भी रामचेत ने चप्पल बेचने से इनकार कर दिया है। रामचेत का कहना है कि ये चप्पल नहीं बल्कि हमारे नेता की निशानी है और इसे हम सहेज कर रखेंगे। विवादित अधिकारी पूजा खेड़कर नहीं रही आईएएस। यूपीएससी ने रद्द की उम्मीदवारी। भविष्य में परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक। विवादों के बाद चर्चा में आई पूजा खेड़कर के खिलाफ जांच के बाद यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। सभी रिकॉर्ड्स की जांच के बाद यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को सीएसई 2022 के नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाया। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा देने के लिए अपना नाम बदला। पूजा ने अपने माता पिता का भी नाम बदला। पूजा खेड़कर ने एसओपी का पालन नहीं किया। 2022 में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली पूजा को 18 जुलाई को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा निर्धारित सीमा से ज्यादा बार परीक्षा देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पूजा को 25 जुलाई तक नोटिस का जवाब देना था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक अपना समय मांगा था। यूपीएससी ने पूजा को 30 जुलाई तक का समय दिया था। पूजा ने तय समय पर जवाब नहीं दिया तो यूपीएससी ने रिकॉर्ड्स की जांच की और दोषी पाए जाने पर पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। पूजा खेड़कर पर सिविल सेवा परीक्षा में विकलांगता और ओबीसी कोटे का दुरुपयोग का आरोप लगा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।